दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्सर 135 BS4 की कुछ खामियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है पल्सर 135 के लिए, वो है इसके नॉन ट्यूबलेस टायर्स। चूँकि आजकल ज़्यादातर कंपनियाँ अपनी इस सेगमेंट की बाइक्स में ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड कर रही हैं, तो अगर बजाज भी पल्सर 135 में ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करता तो काफ़ी अच्छी बात होती। और वैसे भी पल्सर 135 एक पल्सर सीरीज़ की बाइक है, तो इसमें ट्यूबलेस टायर होना काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होता पल्सर 135 के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड नेगेटिव पॉइंट की। तो दोस्तों इस बाइक में पहले सिंगल पेडल गियर आता था, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता था, और अब आता है इसमें डबल पेडल गियर। और दोस्तों मुझे बाइक के ओनर ने बताया कि जो पिछला वाला पेडल है वो कुछ ज़्यादा ही दूर लगता है फुटरेस्ट से, जिस कारण गियर शिफ्टिंग के लिए पैर का मूवमेंट करना पड़ता है बार बार आगे और पीछे। और दोस्तों गियर से ही रिलेटेड एक बात और, कि अभी भी इस बाइक का गियर फंसने वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ है। इस लेटेस्ट मॉडल में भी कभी कभी नॉर्मल राइड पर भी गियर फंस जाते हैं। तो दोस्तों बात की जाए बाइक के थर्ड ड्रॉबैक की, तो इस बाइक का इंजन थोड़ा सा नॉइजी है। मैं आपको बाइक स्टार्ट करके सुनाता हूँ। बाइक के एग्जॉस्ट के अलावा एक कंटिन्यूस आवाज़ आती रहती है बाइक के इंजन में से। तो दोस्तों बात की जाए बाइक के फोर्थ नेगेटिव पॉइंट की, तो दोस्तों इस बाइक की सीट अप टू द मार्क कंफर्टेबल नहीं है। और इसमें और अच्छी कुशनिंग की जा सकती थी टू प्रोवाइड मोर कंफर्टेबल टू द राइडर। और दोस्तों सीट से ही रिलेटेड एक बात और, नॉर्मल ब्रेकिंग पर भी प्लियन बार बार स्लिप हो जाता है राइडर के ऊपर। तो दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, यानी कि लास्ट पॉइंट की। तो दोस्तों वो है इसका बाइजर। दोस्तों इस न्यू मॉडल का बाइजर किसी को भी पसंद नहीं आया है। अभी हाल ही में बजाज पल्सर ने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था, तो उनके कमेंट पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया कि भाई ओल्ड मॉडल वाला बाइजर इसमें लाओ, ये बाइजर हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे पर्सनली भी ये बाइजर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बाइजर सूट भी नहीं हो रहा है इस बाइक पर। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आता हूँ, बाइक रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। इसलिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।